अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए भारतीय बौद्ध महासभा जिला शाखा परभणी की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके प्रतिमा के पास एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अशोक राव कांबळे ने की। प्रारंभ में भगवान गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके प्रतिमा का पूजन किया गया और प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। जिला अध्यक्ष अशोक कांबळे ने पंचरंगी ध्वज फहराया। समता सैनिक दल की ओर से बाबा साहेब धबाले, डी के टोम्पे, एन जी गोधम डाके इन्होंने मान वंदना दी। पूज्य भंते जी, पी धमानंद जी, राष्ट्रीय सदस्य भिक्खु संघ चैत्य भूमि दादर मुंबई और भंते धम्मपाल इन्होंने त्रिशरण पंचशील दिया और गाथा यस यस साढ़वे इन्होंने ली। सभी को दो मिनट के लिए खड़े रहते हुए महामानव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विश्वनाथ झोड़पे इन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस समय ज्येष्ठ नेता बी एस सहजराव, वी वी वाघमारे, एम भरने, सुधीरजी साढ़वे, के जी लजड़े, नागसेन हत्यांबिरे, एस एम कांबळे, नामदेव ढेपे, पी एल नावानखेड़े, दशरथ गायकवाड़, मुकुंद खाड़े, चुड़ाजी धबाले, एस इन शिनगारे, जी आर गायकवाड़, अतुल वैराट, के आर गायकवाड़, रामराव डिब्बे के अलावा हम उपासक उपासिका बड़ी संख्या में हाजिर थे। इस समय जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इन्होंने भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके प्रतिमा को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए अभिवादन किया। उसी तरह महानगर पालिका के आयुक्त तृप्ति सानभोर इन्होंने भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए अभिवादन किया। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर तो सुगंधे। सकल मराठा समाज को ओबीसी प्रवर्ग में शामिल किया जाए और उसे प्रमाण पत्र तुरंत दिया जाए, ऐसी मांग को लेकर तारीख 7 दिसंबर 2023 गुरुवार के रोज हिंगोली जिले के डिग्रस कराड़ फाटे पर मनोज जरांगे पाटिल इनकी 110 एकड़ जमीन पर सभा ली जा रही है। इस विराट सभा के लिए लाखों का जनसैलाब हाजिर रहेगा। मनोज जरांगे पाटिल की ये सभा दोपहर 1 बजे शुरू होगी। पिछले कई दिनों से इस सभा की तैयारी की जा रही है। शुरू में जरांगे पाटिल ये हिंगोली स्थित शिवाजी महाराज पुतले को अभिवादन करेंगे। समय 2 करण से उन्हें 2 कुंडल का हार जरांगे पाटिल को पहनाया कर स्वागत सत्कार किया जाएगा। उसी तरह 101 तोहफों की सलामी भी दी जाएगी। 110 एकड़ जमीन पर होने जा रहे इस सभा को देखते हुए यहाँ आने वाले जन समुदाय को जरांगे पाटिल इनका चेहरा भी दिखे और उनकी कहने वाली बात सुनने के लिए साउंड सिस्टम का भी इंतजाम बड़े पैमाने पर किया गया है। उसी के साथ साथ स्टेज यहाँ पर 20x40 का बनाते हुए उसकी ऊंचाई 12 फुट ऊंची रखते हुए स्टेज का निर्माण किया गया है और उसकी पूरी तैयारी की गई है। और जो आने वाले गाड़ियां हैं उन गाड़ियों के लिए भी जोन बनाए गए हैं और किस तरह से कौन सी गाड़ी कहाँ खड़े रहेंगी, 2-व्हीलर 4-व्हीलर, इनकी भी तैयारी की गई है। पूरी तैयारी ग्राउंड पर होते हुए यहां पर भगवे झंडे लगाकर पूरी तरह से मराठा समुदाय एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। उसकी जो तैयारी हुई है उस तैयारी को न्यूज़ परभणी महानगर की टीम ने अपने कैमरे में कैद किया है। इतना बड़ा इलाके में जिस तरीके से नियोजन किया जा रहा है ये काबिले तारीफ है। जिला परिषद समाज कल्याण विभाग में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अभिवादन। भारतीय घटना के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके 66वें महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर शहर के जिला परिषद समाज कल्याण विभाग में 6 दिसंबर 2023 बुधवार के रोज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रतिमा का पूजन करते हुए पुष्पहार पहनाकर जिला परिषद समाज कल्याण विभाग में अधिकारी कर्मचारियों की ओर से अभिवादन किया गया। इस समय जिला परिषद समाज कल्याण विभाग के सहायक लेखाधिकारी जी आर इंगड़े, कार्यालय अधीक्षक शेख क्यू बी, समाज कल्याण निरीक्षक आर पी काले, समाज कल्याण निरीक्षक एच ए सैयद, सीनियर क्लर्क वी के मस्के, जूनियर क्लर्क ए एस जादव मैडम, सहायक लेखापाल एस वी ठाकरे, एस आर चिंताने मैडम, एम पी कमले, एस बी राठौड़ देवड़े मैडम, असलम सर, पत्रकार प्रमोद अंबोरे आदि समय मौजूद थे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की फदरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गाठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे आयुर्वेदिक विद्या विशारद बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय 9:00 से दोपहर 2:00 तक, शाम 5:00 से रात 9:00 तक। मोबाइल नंबर 9921691008।
बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले इस मामले में सीबीआई विशेष न्यायालय ने दिए हुए आदेश के खिलाफ तुरंत अपील दाखिल करने के लिए संबंधित आदेश जारी करे, ऐसे मांग का निवेदन मुस्लिम अधिकार परिषद की ओर से आज तारीख 6 दिसंबर 2023 के रोज जिला कलेक्टर द्वारा देश के राष्ट्रपति को दिया गया है। 6 दिसंबर 1992 के रोज बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। ये मुसलमान और उसी तरह देश के संविधान मानने वालों के लिए काला दिन माना जाता है। उसी को देखते हुए आज तारीख 6 दिसंबर 2023 बुधवार के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस में मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब और हमीसा गुलाम मोहम्मद मिट्ठू भाई सैयद अब्दुल खादर इनके मार्गदर्शन पर मुस्लिम अधिकार परिषद की मंडल ने एक निवेदन दिया। निवेदन पर वहीद पटेल, शाहनवाज खान, साजिद बेलदार, अमजद पटेल, बशीर अहमद, अनिस मेमन, शेख वसीम, शेख अजीम, रफीक शेख, मुन्ना खान, शेख अजहर, इमरान शेख, शेख निहाल, यश शाकिर, डॉक्टर सैयद इब्राहिम, जुबेर गोहर, अमजद पटेल, खालिद पटेल, अलीम बाबा आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 दिसंबर 1992, आप सभी जानते हैं कि इस दिन क्या हुआ। मस्जिद शहीद कर दी गई। उसके बाद चंद सालों के बाद एक फैसला आया। फैसला आने से पहले हमारे उलमा हजरत जो भी भारत का आइन फैसला करेंगे हमारी सर आंखों पे रखेंगे। हमारे उलमा हजरत ने बड़े बड़े चैनलों पे बैठ के इंटरव्यू दिए। उसके बाद हमारे मुल्क के सियासतदानों ने भी ये बातें बताई कि जो भी मुल्क की अदलिया फैसला करेंगे हम हमारे सर आंखों पे रखेंगे। बहरहाल फैसला जो आया ये आस्था की बुनियाद पर फैसला आया। हमारे उलमाओं को और सियासतदानों को ये लग रहा था कि ये फैसला साइंटिफिकल रीज़न से आएगा कि मंदिर थी या मस्जिद थी। भारत ये फैसला जो आया एक आस्था की बुनियाद से आया। और 32 साल गालिबन मस्जिद शहीद कर हो गए। 32 साल से हमारे शहर के अंदर एक सिलसिला चालू है कि यहाँ पर हम लोग आते, हमारे जो बुज़ुर्ग, हमारे जो शायद थे रशीद अलहज इंजीनियर साहब की क़यादत में सारा मामला चलता था, जावेद खादर साहब, ये अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला इनकी मगफिरत करे। आज हमारे सरपरस्तों के मिट्टू भाई हो गए, मौलाना रफीउद्दीन साहब हो गए और हमारे दीगर साथियों के साथ यहाँ निवेदन देने को हम लोग आए जमा। निवेदन देना हमारा मकसद नहीं है कि हमारी आने वाली नस्लों को हमारे को ये बताना है कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमा रहे सुबहान अल्लज़ी असरा बी अब्दी लैलन मिनल मस्जिद अल-हराम इलल मस्जिद अल-अक्सा। पाक है वो ज़ात अपने नबी को ले गई मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक। आज दुनिया के अंदर मस्जिद अक्सा, कुरान के अंदर मस्जिद अक्सा का जिक्र है और एक मस्जिद को बचाने के वास्ते गाज़ा के अंदर हमारे मुसलमानों बमों की बारिश का सामना कर रहे हैं। सारी दुनिया जानती है कि एक मस्जिद जिसको अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस का मस्जिद अक्सा क़िबले अव्वल के नाम से हम लोग जानते हैं कि वो मस्जिद को बचाने के वास्ते हम लोग बमों की बारिश, हमारे कौम के लोग, कई लोग, लाखों लोग शहादत हासिल कर रहे हैं। वैसे ही हमारे वास्ते मुल्क की जो हमारी बाबरी मस्जिद शहीद हो गई वो हमारे लिए वही मायने रखती। बहरहाल फैसला हमारे हक़ में नहीं आया मगर आस्था की बुनियाद पर हम बहसियत मुसलमान मरते दम तक हमारी ये आस्था है कि हमारी बाबरी मस्जिद थी, है, रहेंगी और हमारी आने वाले नस्लों को हम ये बताएंगे कि इंशाअल्लाह ताला यह हमारी मस्जिद थी, फिर से अल्लाह ताला कायम करेंगे। और आप लोगों के चैनल से बताने का ये मकसद है कि आज जो हमारे उम्मत मोहम्मदिया पे जो हालात आ रहे हैं, हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, जज्बाती तौर पर हम लोग निकल जाते घरों से। मैं एक बात किसी पे तंज नहीं कर रहा हूँ, बहसियत मुसलमान मस्जिद जो बनाई गई 5 वक्त बजमात नमाज पढ़ने के लिए, हम मुसलमानों हमारा जायज़ा ले वो दिन दूर नहीं है। अगरचे हम 5 टाइम से फिर से अल्लाह की इबादत करेंगे, फिर से इंशाअल्लाह ताला हम लोग गालिब आएंगे। वाकिदु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वर्ष 2005 के बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के मामले को लेकर सभी जिले का दौरा करते हुए निकले हुए संजय मामा सोनार जलगांव इनका परभणी जिला परिषद में आज तारीख 6 दिसंबर 2023 बुधवार के रोज जंगी स्वागत किया गया। जिला परिषद यूनियन के अध्यक्ष गजानन लोंडे, जिला परिषद कर्मचारी पद संस्था के अध्यक्ष शेड़के लाहौटी संतोष पाठक, इनके अलावा अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी इस समय बड़ी संख्या में हाजिर थे। इस समय सोनार इन्होंने पुरानी पेंशन योजना कार्यान्वित किए जाने को लेकर ये करना ही चाहिए ऐसी अपेक्षा व्यक्त करते हुए ये लड़ाई हमारी शुरू ही रहेगी ऐसा इस समय उन्होंने कहा। हरिओम मदद केंद्र के संस्थापक अध्यक्ष एवं भाजपा जनसेवक बाला साहेब यादव, इन्होंने परभणी के बालाजी मंदिर देवस्थान के जमीन पर कब्जा करने वाले और जमीन को
गाड़ी मोल बेचने वाले इन पर सभी पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई करने की मांग को लेकर कई दिनों से हमारा अनशन शुरू किया था। आज तारीख 6 दिसंबर 2023 बुधवार के रोज जिंतूर सेलू के विधायक मेघना दीदी बोर्डीकर इन्होंने जनसेवक बाला साहब जादव से मिलकर उनके मांगों को पूरी तरह से समझ कर लिया और जिला प्रशासन को इससे अवगत कराया। तुरंत इस समय RDC मैडम इन्होंने आकर अनशन मैदान में आते हुए अनशनकर्ता बाला साहब जादव इनसे मुलाकात कर उन्हें लेखी पत्र देकर उनका अनशन खत्म करने की बात कही। उनके इस मांग पर कार्रवाई करने के आश्वासन देने के बाद ही बाला साहब जादव इन्होंने अपना अनशन खत्म किया है, ऐसा घोषित करते हुए इस वक्त मेघना दीदी बोर्डीकर इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। स्थान अपना बालाजी मंदिर जागे विषयाबद्दल ज्या जागे जागा का ही लोकानी चुकी से कागदपत्र देवन हड़प के लिए प्रकरणावरती सर्वानच लक्ष वेधनेस आम बंधु बाहब जाधव ये उपोषणाला यठिका बसले होते। आता कलेक्टर साहबांशी माझी फोनवर चर्चा झाली, या ठिकाणी आपल्या RDC मॅडमसुद्धा उपोषण सोडवण्यासाठी आलेल्या आहेत। ज्या मागण्या आमच्या बंधूंनी लावून धरलेल्या आहेत त्या मागण्या रास्त आहेत आणि त्या जे दोषी तलाठी तहसीलदार किंवा जे कोणी अधिकारी त्या प्रकरणामध्ये दोषी आहेत त्या सगळ्यांच्यावरती चौकशी करून कारवाई 100% होणार आणि धर्माचा किंवा असे आपले जे शक्तीपीठ आहेत त्याच्या जमिनीचा वापर जिल्ह्यामध्ये जे कोणी असे चुकीच्या पद्धतीने करत असतील, स्वतःच्या स्वार्थासाठी करत असतील, तर त्या सगळ्यांना धडा शिकवण्यासाठी उचललेलं हे पाऊल बाळासाहेब जाधवांचं एकदम खरं रास्त पाऊल आहे आणि त्यांच्या सोबत आम्ही सगळेजण आहोत आणि निश्चितच ज्या काही आपल्या धार्मिक स्थळाच्या जागा त्यांनी हडपलेल्या आहेत त्यांना हा इशारा आहे की इथे आम्ही शांत बसणार नाही, त्यांच्या कडक कारवाई केल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही। सरकार सत्याचं खऱ्याने वागणारं सरकार आहे आणि सर्व मंदिर संस्थांच्या जेवढ्या काही जागा आहेत तेवढ्या सगळ्या आम्ही जागा सोडून घेणार आणि ह्या बालाजी मंदिर प्रकरणामध्ये जे कोणी माझे सहकारी बाळासाहेबांचे सहकारी यामध्ये अनेक वर्षापासून पाठपुरावा करत आहेत त्यांच्या पाठपुराव्याला निश्चितच लवकरच यश मिळणार आहे। एक प्रकरण कोर्टामध्ये प्रलंबित असल्यामुळे त्याच्यावरती निर्णय नंतर होईल, पण जे दुसरा प्रकरण आहे त्याच्यावरती जे कोणी दोषी आहेत त्यांच्यावर कारवाई लवकरच होईल। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दिगर समस्याओं का इलाज हमारे पास, हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिस प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, जेरोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू, बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे, पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए, चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड पर भनी, 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभणी महानगर पालिका की ओर से अवैध नल कनेक्शन के नाम पर नागरिकों पर दाखिल किए जाने वाले आपराधिक मामले और अवाजवीय जुर्माने की रकम, इसके अलावा जल आपूर्ति बंद करने की कार्रवाई को तुरंत रुकाने की मांग का निवेदन आज तारीख 6 दिसंबर 2023 के रोज महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के सरचिटनीस अमोल जाधव इनके नेतृत्व में परभणी महानगर पालिका आयुक्त प्रशासक को शिष्टमंडल द्वारा निवेदन दिया गया। निवेदन पर विजय मोरे, श्रीराम जाधव, दिगंबर खरवड़े, इनायत शेख सरवर, पांडुरंग जाधव, प्रदीप सोनटक्के, उमेश मिरखेलकर, रामेश्वर कुरे, अनिकेत घनसावंत, रोहिदास बोबड़े के अलावा अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर है। परभणी शहरामध्ये अवैध नळ जोडणीच्या नावाखाली महापालिकेचे पथक नागरिकांवर गैरवाजवी दंड पोलीस केसेस फौजदारी गुन्हे दाखल करायचे प्रकार करत आहे, त्याचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी त्या कारवाईचा आणि नागरिकांची कुचंबना न करता नागरिकांच्या हक्काचं पाणी तोंडचं पाणी न पळवता महापालिकेच्या उत्पन्नाला धक्का न लागू देता तुम्ही सर्व नळ जोडण्या अधिकृत करा। जनरल बॉडी जेव्हा नगरपालिका महापालिकेची बॉडी असत होती तेव्हा अवैध नळाला 1200 रुपये दंड होता आणि यांनी आता नवीन ठराव केला 500 रुपये दंडाचा, वीरगुणाचं भाडं आता 50,000 केले। आता महापालिका का व्यापारीकरण करून चालवायची का लोकांचं चालवायची प्रशासकाने आता विचार केला पाहिजे आणि जर प्रशासक
आडमुटे धोरणांना वागत असेल, नागरिकांना त्रास देत असेल, पाणी पुरवठ्याच्या मुद्द्यावर, स्वच्छतेच्या मुद्द्यावर, नागरी सुविधांच्या मुद्द्यावर, तर येत्या काळात आम्ही महापालिकेला इथे नागरिकांच्या रोषाला बळी पडल्याशिवाय सोडणार नाही व प्रशासकाला धारेवर धरल्याशिवाय सोडणार नाही। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से आज तारीख 6 दिसंबर 2023 के रोज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले को मराठवाड़ा प्रदेश अध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पंडित टोमके इनके हाथों पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए अभिवादन किया गया। इनके साथ जिला अध्यक्ष नारायण वाघमारे, शहर अध्यक्ष विजय झोड़पे, इन्होंने भी अभिवादन करते हुए समय संदीप पान गालफाड़े, सो लक्ष्मीबाई बनसोड़े, भगवान वावड़े, अमोल दगड़े, वामन खराटे, ज्ञानदेव खरात, रविदास वाकड़े, सिद्धार्थ भराड़े, प्रदीप लहाने, शांताबाई गायकवाड़, विठल गायकवाड़, संजय जल्लारे, बाबूराव वावड़े आदि इस समय बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। बाबरी मस्जिद के मामले में मुस्लिम समुदाय को इंसाफ दिया जाए, ऐसे मांग का निवेदन आज तारीख 6 दिसंबर 2023 बुधवार के रोज माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन MDO संगठन की ओर से जिला कलेक्टर द्वारा देश के राष्ट्रपति को दिया गया। निवेदन में कहा है कि 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या स्थित कुछ समाज कंटकों ने गैर कानूनी तौर पर धार्मिक स्थल पर बाबरी मस्जिद शहीद कर दी और उसकी निंदनीय घटना को आज 31 साल हो चुके हैं। इस निंदनीय घटना को देखते हुए देश के तमाम मुस्लिम समुदाय की ओर से निषेध व्यक्त किया गया है। इस दुखद और निंदनीय घटना से देश के घटना मानने वालों को बुरी तरह से ठेस पहुंची है। देश का संविधान तोड़ने का काम इन जातिवादी समाज कंटकों की ओर से किया गया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, भविष्य में ऐसी असंवैधानिक घटना दोबारा न हो, इसके लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को न्याय मिले और इसके लिए देश में मुस्लिम के लिए अल्पसंख्यक संरक्षण कानून जो अमलावरी की गई है उसकी मांग करते हुए निवेदन माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के MDO संगठन के मार्ग सचिव महबूब खान पठान, जिला अध्यक्ष सैयद रफीक पेड़गावकर, जिला कार्यकारी अध्यक्ष शेख उस्मान, शेख इस्माइल आदि के हस्ताक्षर से दिए गए हैं। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमान मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना, हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, BP की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आंख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी, खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर जनपद, बलरामपुर UP। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें, मोबाइल नंबर 9793041936, 9175546259। आज तारीख 6 दिसंबर 2023 बुधवार के रोज घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके 67वें महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर परभणी शहर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले पर भारतीय जनता पक्ष के शिष्टमंडल की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके पुतले को पुष्पमाला अर्पण करते हुए अभिवादन किया गया। समय भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष संतोष मुरकुटे, विठल मामा रबदड़े, विलास बाबर, भागवत बाजीगर, श्रीराम मुंडे, राधाजी शेड़के, शिवा शेड़के आदि के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इस समय मौजूद थे। पेड़ों की अवैध कटाई के खिलाफ शोले स्टाइल में विरोध प्रदर्शन। भात्री तहसील के हदगांव ग्रामवासियों ने पानी के टाकी पर चढ़कर अनशन जारी किया है। जायकवाड़ी इलाके के पेड़ों की प्रकरण को लेकर ये मामला सामने आ रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी ये है कि भात्री तहसील के हदगांव में जायकवाड़ी इलाके में अवैध तरीके से पेड़ कटाई और बिक्री मामले को लेकर एक व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर गांव के ही सुभाष नखाते इन्होंने शोले स्टाइल में आंदोलन शुरू किया है। आज तारीख 5 दिसंबर 2023 मंगलवार के रोज गांव के पानी के टाकी पर चढ़कर बेमुद्दत अनशन शुरू करने की चेतावनी देते हुए आंदोलन की जानकारी मिलते ही जायकवाड़ी विभाग के अधिकारी और पुलिस कर्मचारी घटनास्थल पर दाखिल हुए। पाथरी तालुके के हदगांव यहां पर जायकवाड़ी उप विभाग पाथरी अंतर्गत जायकवाड़ी वसाहत है। इस इलाके से तारीख 2 दिसंबर 2023 शनिवार के रोज गांव के एक व्यक्ति ने अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई करते हुए उसको बिकाया। इस मामले में 3 दिसंबर के रोज प्रकाशित होने वाले दैनिक देशोन्नति में खबर छपी। इस खबर को लेकर पेड़ों की कटाई को लेकर तहसील में चर्चा शुरू हुई। दरमियान इस मामले को लेकर सुभाष नकाते इन्होंने जायकवाड़ी प्रशासन और पुलिस प्रशासन को निवेदन देते हुए संबंधित व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाए ऐसी मांग की थी। कार्रवाई नहीं करने पर गांव के पानी के टाकी पर बेमुद्दत अनशन किया जाएगा ऐसा इशारा 4 दिसंबर के रोज दिया था। दरमियान
डिसेंबर मंगलवार के रोज आज सुबह से ही 11 बजे से लेकर सुभाष नकाते और उनके साथ अन्य समर्थकों ने टाकी पर चढ़कर बेमुद्दत अनशन जारी किया। सरकारी जगह पर झाड़ों की अवैध तरीके से कत्ल करते हुए उनकी बिकाया जाना, उस व्यक्ति पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम ये अनशन नहीं छोड़ेंगे, आंदोलन नहीं पीछे लेंगे, ऐसा समझने पर उनकी समझ निकालने के खातिर पुलिस प्रशासन और जायक विभाग के अधिकारी अनशन स्थल पर आ पहुंचे। कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए सुभाष नकाते इनसे चर्चा करते हुए नजर आए। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूवर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना जरूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज आपके सामने प्रकाशित कर सके। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।